सो यारो कैसे आप लोग गाइस वापस आ चुका हूँ आप लोग एक्साइटिंग वीडियो लेकर। एंड गाइस इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस तरह की फोटो एडिट कर सकते हो स्मार्टफोन से। सो गाइस काफ़ी अमेजिंग फोटो एडिटिंग है और आपको स्क्रीन में देखिए फोटो काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो रखी है। एंड गाइस सेम एज इट इज़ आप भी अपनी फोटो को ऐसे एडिट कर सकते हो। सो गाइस उससे पहले आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो साइड में घंटी का निशान देखा उसको भी क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस तरह की फोटो एडिट करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एप्लीकेशन उसका नाम है पिक्स आर्ट और जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका नाम है लाइटरूम। गाइस दोनों ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि जो अभी आप वीडियो देख रहे हो उसके साइड में इस ऐप पर क्लिक करना एंड गाइस नीचे स्क्रॉल करोगे एंड यहाँ पर आपको एक यहाँ पर लिंक मिलेगी बैकग्राउंड इमेज करके गाइस, ठीक है। और जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड डाउन करना है। तो गाइस इस बैकग्राउंड को डाउन कर लीजिए उस लिंक पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, उसको डाउन करना है लिंक से डिस्क्रिप्शन जो लिंक देगा वहाँ से उसको डाउन कर लीजिए और उसके बाद आपको ओपन करना है अपना पिक्स आर्ट की एप्लीकेशन। तो यहाँ से मैंने पिक्स आर्ट की जो एप्लीकेशन ओपन कर ली गई, ठीक है। ओपन करोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो अभी आपने बैकग्राउंड डाउन कर रखा है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँगा, प्लस वाला क्लिक करना है एंड यहाँ से उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है जो अभी हमने लिंक से डाउन किया था। तो गाइस ये रहा बैकग्राउंड, तो उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। क्या करना है आपको यहाँ से ऐड फोटो पे जाना है, ठीक है, ऐड फोटो पे जाओगे एंड यहाँ से आपको अपनी खुद फोटो पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इस फोटो को ऐड कर लिया एंड यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है, सिंपली इस फोटो के जो बैकग्राउंड को रिमूव करना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कटआउट पे क्लिक करना है एंड सो गाइस उसके बाद सिंपली आपको पूरा कंप्लीट ड्रॉ करना है फोटो को, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट ड्रॉ कर लूँगा जिससे कि फोटो का जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाए। तो मैंने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद ऊपर इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही एरो पे क्लिक करो गाइस तो गाइस ये पूरा डिटेक्ट कर लेगा गाइस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा रेड रेड हो चुका है एंड जहाँ पे रेड छूट चुका है गाइस, ठीक है, उसको आपको मैनुअल करना है। मैनुअल करने के लिए सिंपली आपको इस ब्रश पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड इसका जो साइज है हल्का छोटा कर लीजिए इस तरीके से एंड इसको फिर आपको मैनुअल ड्रॉ करना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैनुअल ड्रॉ कर लीजिए जो एरिया रह रहा है इस तरीके से। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके इसको दिखा। सो गाइस मैंने पूरा कंप्लीट इरेज कर लिया बैकग्राउंड को गाइस, ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है फोटो को इतना जूम करना है गाइस, ठीक है, इतना जूम कर लीजिए एंड आपको इस तरीके से सेट करना है अपनी फोटो को सही गाइस, ठीक है। तो मैंने फोटो को इस तरीके से सेट कर लिया गाइस, ठीक है, आपको भी अपनी फोटो को इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर देख लीजिए फोटो परफेक्ट यहाँ पर सेट हो चुकी है एंड उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ से टिक पर क्लिक करना है। टिक पर जैसे ही क्लिक करोगे एंड गाइज़ उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जो नीचे आपको शूज़ के यहाँ पर हल्का हल्का ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहले नीचे आपको एक ड्रॉ का ऑप्शन देगा, ड्रॉ पे क्लिक करोगे एंड गाइस ड्रॉ पे क्लिक करना है यहाँ से एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आप जो इसको सेलेक्ट करना है एंड इसकी जो ओपेसिटी 35 रखनी है एंड यहाँ पे जैसे 39 पे क्लिक करोगे तो गाइस इसकी जो हार्डनेस है 40 पे रखना है हार्डनेस को, ठीक है। इतना करने के बाद जूम करना है एंड जहाँ पर शूज़ दिख रहे हैं शूज़ के यहाँ पर हल्का हल्का सिर्फ ड्रॉ करना है गाइस, ठीक है, तो जैसे कि एकदम रियल लगे फोटो इसके, ठीक है। तो मैं हल्का हल्का सिर्फ ड्रॉ कर लूँगा इस, ठीक है। तो देखिए मैं पूरा इससे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे नीचे की साइड एंड उसके बाद आपको ऊपर इसे लेयर वाले ऑप्शन क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इसकी ओपेसिटी आपको कम करनी है, ठीक है, 25 के आसपास कर लीजिए ओपेसिटी एंड टिक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एकदम रियल लग रही फोटो इससे, ठीक है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको जाना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस उसके बाद सिंपली आपको लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन करनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा इस लाइटरूम की एप्लीकेशन का एंड यहाँ से आपको क्लिक करना नीचे इस प्लस वाले आइकन पे और यहाँ से आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपने पिक्सार से एडिट कर दी है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और वो फोटो चलेगी और फोटोज के अंदर एंड यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी फोटो जो भी हमने पिक्सार से एडिट करी थी एंड उसके बाद आपको अपनी सो गाइस उसके बाद सिंपली आपको लाइटरूम की एप्लीकेशन ओपन करनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा इस लाइटरूम की एप्लीकेशन का एंड यहाँ से आपको क्लिक करना नीचे इस प्लस वाले आइकन पे और यहाँ से आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपने पिक्सार से एडिट कर दी है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और वो फोटो चलेगी और फोटोज़ के अंदर एंड यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी फोटो जो भी हमने पिक्सार से एडिट करी थी एंड उसके बाद आपको अपनी सो गाइस उसके बाद आपको क्लिक करना है इस लाइट वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ से आपको जो कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ करना है, कॉन्ट्रास्ट को जैसे इंक्रीज़ करोगे एंड उसके बाद आपको हाईलाइट्स को कम करना है एंड उसके बाद शेडो को आपको हल्का सा इंक्रीज़ करना है एंड वाइट्स को भी हल्का सा इंक्रीज़ करना है एंड जो ब्लैक सीरियस को हल्का सा डाउन करना है। उसके बाद आपको नीचे अगले ऑप्शन पर जो टेम्परेचर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है एंड मिक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सबसे पहले इस रेड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है एंड इसका जो ह्यू है उसको एकदम माइनस करना है 91 के आसपास कर लीजिए ह्यू को एंड उसके बाद सैचुरेशन को
गाइस उसके बाद सिंपली आपको सैचुरेशन को रहने देना है इस तरीके से, एंड ल्यूमिनस को अगर इंक्रीज़ करना है, एंड उसके बाद अगले ऑप्शन पर आने से ऑरेंज वाले ऑप्शन क्लिक करना है, इसका भी आपको ह्यू आपको हल्का सा एकदम ज़्यादा करना है ठीक है, एंड उसके बाद सैचुरेशन को हल्का सा कम कर लीजिए, एंड उसके बाद ल्यूमिनस को हल्का सा इंक्रीज़ करना है, एंड गाइस यहाँ पर ल्यूमिनस को आपको इंक्रीज़ करना है ठीक है, ल्यूमिनस को इंक्रीज़ कर लीजिए, एंड उसके बाद क्या करना आपको बता दूँगा ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस अगले ऑप्शन में येलो वाले के ऑप्शन पर आना है गाइस, इसका सैचुरेशन हल्का सा आपको बढ़ाना ठीक है, ह्यू को आपको हल्का सा कम करना है, एंड ल्यूमिनस को हल्का सा इंक्रीज़ करना है, इतना करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे नीचे इस स्क्वायर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, इसका जो विगनेट है आपको डाउन करना है, विगनेट डाउन कर लीजिए इस तरीके से ठीक है, एंड उसके बाद आपको इस अगले ऑप्शन पर आना है, इसे ट्राई एंगल वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको इसकी नॉइस रिडक्शन इंक्रीज़ करनी है इतनी ठीक है, एंड नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कलर नॉइस रिडक्शन, इसको भी इंक्रीज़ कर लीजिए इतना ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फोटो है काफ़ी अमेजिंग तरीके से एडिट हो चुकी है, एकदम रियल लग रही है फोटो ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बैकग्राउंड में काफ़ी अमेजिंग तरीके से फोटो एडिट कर सकते हो अपनी गाइस ठीक है, एंड फोटो सेव करने के लिए आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एंड सेव टू डिवाइस करोगे तो गाइस ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो से प्लीज़ वीडियो को लाइक करो शेयर करो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको डेली उस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहो जो कहीं ना कहीं हेल्प होती है। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।